हाय दोस्तों, मैं हूं तौकीर आलम और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल टी एडवाइस। और आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो काफी दिलचस्प है। क्या सही है, आई एम गुड कहना या फिर आई एम वेल कहना? कई बार अच्छा के लिए हम गुड और वेल दोनों का यूज करते हैं, पर इनके मतलब बहुत डिफरेंट है। तो चलिए जाने दोनों में क्या डिफरेंट है और दोनों को कहाँ यूज किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, शब्द गुड का यूज किसी इंसान को अच्छा दिखलाने के लिए करते हैं, जबकि वेल का अर्थ अच्छा होता है, लेकिन ये किसी इंसान को अच्छा दिखलाने के लिए नहीं बल्कि उनके काम को अच्छा दिखलाने के लिए होता है। इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है, शब्द गुड एक एडजेक्टिव है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं, जबकि वर्ड वेल एक एडवर्ब है जो किसी इंसान के काम को अच्छा दिखलाने के लिए यूज होता है। चलिए एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। He speaks English well, वह अच्छा अंग्रेजी बोलता है। इसका मतलब ये नहीं कि वह इंसान अच्छा है, इसका मतलब ये होता है कि वो जो ये बोलता है, वो जो इंग्लिश बोलता है वो अच्छा बोलता है, उसका ये काम जो है अच्छा है। सी कुक्स वेल, वह अच्छा पकाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी है बल्कि वो खाना को अच्छा तरीके से पकाती है, उसके पकाने का तरीका अच्छा है। यू वर्कड वेल, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छे हैं बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आपने जो काम किया वो अच्छा है। जबकि अगर मैं कहूं कि वो अच्छा इंसान है तो आप यहाँ वेल का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा वर्ड आप उस इंसान के लिए बोल रहे हैं कि वह नेचर से, कैरेक्टर से, मिजाज से अच्छा इंसान है। तो आप यूज करेंगे गुड, ही इज अ गुड मैन, वह अच्छी थी, सी वॉज गुड। तो आपको वीडियो कैसा लगा अपने लाइक और कमेंट के साथ बताइएगा। मैं मिलूंगा कुछ और मजेदार वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।